अगर आपने भी विंडोज़ 11 को अपडेट किया है या विंडोज़ 11 इंस्टॉल किया है तो आपके पीसी के अंदर जो आपका विंडोज़ सिक्योरिटी होता है वह ओपन नहीं होता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? अगर आप एरो पर क्लिक करते हो और आपका यहाँ से भी विंडोज़ सिक्योरिटी है वो ओपन नहीं होता है, तब आपको एक छोटा सा प्रोसेस करना होगा, उसके बाद आपका जो विंडोज़ सिक्योरिटी है वो ओपन हो जाएगा। आपको प्रोसेस ये करना होगा कि आपको विंडोज़ पावर सेल ओपन करना है, उसके बाद आपको जो ये कमांड दे रखी है उसको रन करना है। तो नीचे मैं कमांड दे दूंगा, आपको जस्ट उसको कॉपी करना है और अपने पीसी में उसको रन करना है। तो यहाँ से आपको विंडोज़ पावर सेल ओपन कर लेना है और आपको इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। उसके बाद यहाँ से आपको यस कर लेना है और जो टेक्स्ट वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करना है और एंटर टाइप कर लेना है। जैसे ही आप एंटर करोगे कुछ एरर आएगी, बट आपको इसे इग्नोर करना है और फिर आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना है। अब अगर आप यहाँ से विंडोज़ सिक्योरिटी को ओपन करते हो तो आपका यहाँ पर विंडोज़ सिक्योरिटी ओपन हो जाता है, और अगर आप यहाँ से कोई भी स्कैन करते हो तो अब आपका विंडोज़ सिक्योरिटी रन कर रहा है। सो इस तरह आप विंडोज सिक्योरिटी को रन कर सकते हो अपने पीसी के अंदर। अगर आपको कुछ और एरर आती है तो यहाँ पर एक सेकेंड कमांड भी मैंने दे रखी है, तो आप उसको भी रन कर सकते हो। सो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।